सो हेलो गाइस, सर स्वागत है और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखकर इजीली समझ गए होंगे। जी हाँ गाइस, सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडियो मास्टर के फायर 57 और ओजा का SPX 1510 के टॉप के बारे में, जो कि ये सर स्टूडियो मास्टर का भी टॉप जो है 1300 वाट का है और ओजा का भी जो टॉप है 1300 वाट का है, जो कि दोनों ही टॉप 15 इंची के। तो काफी सर भाई लोग का ऐसा मन में डाउट है कि दोनों में से हम कौन सा ले, जो कि कौन सा हमारे सेटअप में काफी ज्यादा फाड़ू और दासू बजेगा, किस वाले टॉप का रेंज काफी ज्यादा दूर रहेगा और किस वाले टॉप में ज्यादा हमें बेस सुनने को मिलेगा। तो कि सर आप लोगों का मन का कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही दूर करने वाला हूँ, क्योंकि सर इस दोनों टॉप के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा टॉप बेटर रहेगा और कौन सा टॉप में अच्छा क्वालिटी आएगा और कौन सा टॉप किस कामों के लिए बनाया गया है, डीजे के लिए कौन सा टॉप बेहतरीन रहेगा और प्रोग्राम के लिए कौन सा टॉप बेहतरीन रहेगा, सारा कुछ जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही सर दोनों टॉप का कितना प्राइस है, जो कि प्राइस के ऊपर भी काफी ज्यादा मायने और डिपेंड करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिंदर कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो को शुरू। तो गाइस सर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टूडियो मास्टर के फायर 57 15 इंची के टॉप वर्सेस ओजा के SPX 1510 टॉप के बारे में, जो कि सर दोनों ही टॉप सेम वाटेज के हैं। तो गाइस सर कौन सा टॉप बेहतरीन बजेगा? तो गाइस सर दोनों टॉप का डिटेल और स्पेसिफिकेशन अगर हम एक स्क्रीन पर समझेंगे तो हमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस सर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टूडियो मास्टर के प्रोफेशनल 15 इंची टॉप स्पीकर सिस्टम के बारे में, जिसका मॉडल नंबर फायर 57 देखने को मिल जाएगा। और गाइस सर दूसरे साइड में ओजा का PA स्पीकर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर SPX 1510 देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर दोनों ही टॉप कंपनी का फिटिंग टॉप है। तो गाइस सर डिटेल और स्पेसिफिकेशन जानने के बाद आप लोग भी क्लियर कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा टॉप बेहतरीन है। बाकी गाइस सर मैं लास्ट में अपना ओपिनियन बता ही दूंगा। तो गाइस सर अगर हम पावर के बारे में बात करेंगे तो गाइस सर स्टूडियो मास्टर का जो टॉप है, इसका जो पावर है 1300 वाट आरएमएस पावर में देखने को मिल जाएगा और 2600 वाट इसका पीक प्रोग्रामिंग पावर होता है। यहीं पे गाइस सर जो ओजा का टॉप है, इसका भी जो पावर है 1300 वाट आरएमएस पावर में देखने को मिल जाएगा और 2600 वाट इसका भी पीक प्रोग्रामिंग पावर होता है। तो गाइस सर पावर में तो दोनों ही टॉप सेम है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 1300 वाट का स्टूडियो मास्टर भी है और गाइस सर 1300 वाट का ओजा भी है, और इसका पीक पावर भी दोनों का सेम बराबर है। तो पावर में तो कहीं भी दिक्कत और कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, तो गाइस सर दोनों ही टॉप का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है स्टूडियो मास्टर का 40 से 20 हजार हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। यहीं पे गाइस सर जो ओजा का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 35 से 20 हजार हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी में तो ज्यादा कोई भी ऊपर नीचे देखने को नहीं मिल रहा है। अब गाइस सर हम बात करेंगे इंपेडेंस के बारे में, तो जो स्टूडियो मास्टर का टॉप है, इसका जो इंपेडेंस है आप लोगों को फोरम देखने को मिलेगा, जो कि अभी फोरम पे ऑपरेट होगा। साथ ही गाइस सर जो ओजा का टॉप है, इसका भी इंपेडेंस आप लोगों को फोरम ही देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों टॉप आप लोगों को फोरम पे ऑपरेट करना होगा। बात करेंगे दोनों टॉप के सेंसिविटी के बारे में, तो गाइस सर स्टूडियो मास्टर का जो सेंसिविटी है 96 डेसिबल देखने को मिल जाएगा। यहीं पे गाइस सर जो ओजा का सेंसिविटी है वो आप लोगों को 103 डेसिबल देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर यहाँ पर सेंसिविटी में काफी ज्यादा फर्क है, स्टूडियो मास्टर का 96 डेसिबल है और यहाँ पर ओजा का 103 डेसिबल है। तो ओजा का जो बॉडी है स्क्वायर बॉडी है, तो इसमें बेस और प्रेशर काफी ज्यादा स्टूडियो मास्टर के मुकाबले इसमें ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन लॉन्ग थ्रो ओजा से थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा स्टूडियो मास्टर का, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि स्टूडियो मास्टर का जो कैबिनेट का डिजाइन है वो आप लोगों को कर्व में यानी तिरछा वाला में देखने को मिल जाएगा, और कि सर जो ओजा का कैबिनेट का डिजाइन है वो आप लोगों को स्क्वायर में देखने को मिलेगा। तो स्क्वायर बॉडी में और कर्व वाला बॉडी में दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। कर्व वाला में लॉन्ग थ्रो का आवाज जो होता है काफी दूर तक सुनने को मिलेगा, जो कि स्टूडियो मास्टर का जो टॉप होता है दूर तक ये साउंड निकाल कर दे देगा, इसमें मिड काफी ज्यादा मिलेगा। यहीं पर जो ओजा का ये वाला जो टॉप है, इसमें आप लोगों को लॉन्ग थ्रो थोड़ा सा कम सुनने को मिलेगा, लेकिन बेस का क्वालिटी स्टूडियो मास्टर के मुकाबले थोड़ा सा हमें ज्यादा सुनने को मिलेगा। दोनों टॉप की स्पीकर के बारे में बात करेंगे, तो स्टूडियो मास्टर के अंदर आप लोगों को 15 इंची का 2 स्पीकर देखने को मिल जाएगा,
जो कि वॉइस कॉल 4 इंच में देखने को मिल जाएगा, एचएफ आप लोगों को 3 इंच वॉइस कॉल में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर स्टूडियो मास्टर के टॉप के अंदर यहाँ पर 650 वाट्स का स्पीकर है, और गई सर ओजा के अंदर तो 650 वाट्स का स्पीकर है, क्योंकि ओजा जो होता है एचएफ को काउंट नहीं करता है। तो हो सकता है कि स्टूडियो मास्टर भी काउंट नहीं करता हो, लेकिन स्टूडियो मास्टर के अंदर 650 वाट्स के बीच का स्पीकर है, ये कन्फर्म है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टॉप के इनपुट कनेक्टर के बारे में। तो गई सर स्टूडियो मास्टर के अंदर भी आप लोगों को इनपुट कनेक्टर के लिए 2 स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, और ओजा में भी सेम यही प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोनों टॉप के वेट के बारे में। तो गई सर स्टूडियो मास्टर का जो वेट है 64 kg देखने को मिल जाएगा, और गई सर यहीं पे जो ओजा का वेट है 76 kg 500 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो गई सर दोनों कंपनी के टॉप में काफी ज्यादा वेट में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक 64 kg का है और एक 76 kg का है, तो लगभग 12 kg का अंतर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो गई सर 12-10 kg के अंतर में स्क्वायर बॉडी में ओजा का जो टॉप है इसका वजन इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये स्क्वायर बॉडी में, और स्टूडियो मास्टर का जो टॉप है उसका जो कैबिनेट है कर्व में, लेकिन दोनों ही टॉप आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्च प्लाईवुड में, जो कि कंपनी का जितना भी फिटिंग टॉप आता है टोटल ओरिजिनल और वर्च प्लाईवुड के होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब गई सर यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों टॉप के प्राइस के बारे में, जो कि प्राइस के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। फिर गई सर लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा ओपिनियन बताऊंगा कि कौन सा टॉप किस कामों के लिए बनाया गया है। तो गई सर जो स्टूडियो मास्टर का फायर 57 जो टॉप है इसका जो प्राइस है मार्केट में 55,000 से 60,000 के बीच में देखने को मिलेगा। जी हाँ गई सर स्टूडियो मास्टर का थोड़ा प्राइस ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे ओजा के प्राइस के बारे में। तो ओजा का ये जो है एसपीएक्स 1510 इसका जो प्राइस है 49,000 से 52,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर प्राइस में 2-4-5,000 ऊपर नीचे स्टूडियो मास्टर और ओजा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टूडियो मास्टर में थोड़ा जीएसटी का चार्ज ज्यादा लग जाता है, इसलिए प्राइस हो सकता है कि ज्यादा पड़ता है, और गई सर ओजा में थोड़ा कम लगता है क्योंकि ओजा जो होता है इंडियन ब्रांड है और स्टूडियो मास्टर जो है चाइनीज है, यानी बाहर से इंपोर्ट होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रख के चलना होगा। लेकिन गई सर दोनों ही टॉप काफी ज्यादा बेहतरीन बजते हैं, स्टूडियो मास्टर का भी मार्केट में काफी ज्यादा पकड़ है और ओजा का भी काफी ज्यादा पकड़ है, दोनों काफी ज्यादा बेहतरीन धासु और फाड़ू बजते हैं। लेकिन गई सर मेन पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा टॉप किस कामों के लिए बनाएगा और किस काम में यूज करेंगे तो 100% परफॉर्मेंस अपना निकाल कर दे पाएगा। तो गई सर जो स्टूडियो मास्टर का ये 1300 वाट्स का टॉप है इसमें मीड काफी ज्यादा बेहतरीन मिलेगा, साथ ही लॉन्ग थ्रो भी काफी ज्यादा बेहतरीन मिलेगा। तो अगर आप लोग स्टूडियो मास्टर का ये वाला टॉप डीजे में भी यूज कर सकते हैं या भी सर लाइव प्रोग्राम में भी यूज करेंगे तो काफी ज्यादा बेहतरीन बजेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओजा के बारे में बात करेंगे तो ओजा का जो 1300 वाट्स का टॉप है इसे केवल अगर आप लोग डीजे पर्पस के लिए यूज करेंगे तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये जो है ओजा का टॉप जो बनाया गया डीजे के लिए बनाया गया है, अगर आप लोग इसे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो थोड़ा सा क्वालिटी कम मिलेगा, लेकिन इसमें बेस काफी ज्यादा बेहतरीन मिलेगा क्योंकि इसका जो बॉडी है स्क्वायर बॉडी है, तो स्टूडियो मास्टर से बेस काफी ज्यादा इसमें अच्छा मिलने वाला है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन गई सर स्टूडियो मास्टर का लॉन्ग थ्रो ओजा से थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो गई सर आई होप कि आप लोगों को अब मन का कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो गया होगा। साथ ही गई सर वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो साउंड सिस्टम से रिलेटिव अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में कुछ सवाल है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय।